हमारे प्यारे बापूजी के सभी प्यारे और दुलारे बच्चों को हरि ओम। बच्चों, भारत देश को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ हर महीने कोई ना कोई त्योहार उत्सव मनाया ही जाता है, और मनाया भी क्यों ना जाए। हमारे त्योहार हमारी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा व भारतीय सभ्यता के प्रतीक जो है, ये त्योहार हमारी संस्कृति की धरोहर है। इन पर्वों व त्योहारों के माध्यम से हमारी संस्कृति की असली पहचान होती है। हमारे देश में जो भी त्योहार या पर्व मनाए जाते हैं, उनमें कुछ त्योहार ऋतु और मौसम के अनुसार मनाए जाते हैं, तो कुछ सांस्कृतिक या किसी घटना विशेष से संबंधित होने की वजह से मनाए जाते हैं। बच्चों, आज का हमारा बाल संस्कार भी त्योहार स्पेशल होने वाला है। जी हाँ, आज के बाल संस्कार में हम आपको चेटी चंड, गुड़ी पड़वा, चैत्री नूतन वर्ष व चैत्र नवरात्रे जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहारों की जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। ओमकार गुंजन। सबसे पहले करते हैं पवित्र ओमकार गुंजन। सभी बच्चे गर्दन कमर सीधी कर शांत अवस्था में बैठ जाएंगे। बच्चों, ओमकार गुंजन भाग्य की रेखाएं तक बदलने की शक्ति रखता है। मंत्रोच्चारण। बच्चों, बार बार मंत्र को उच्चारण करने से जापक के आसपास उसका एक तेजोमय आभा मंडल बन जाता है और उसे ईश्वरीय मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता करता है। तो सभी बच्चे भूमध्य में तिलक करें या हाथ की तीसरी उंगली से घर्षण करते हुए ओम गम गणपतये नमः और फिर हाथ जोड़कर ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः इन वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें। अब गणपति जी की स्तुति करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कोटि सूर्यों के समान महातेजस्वी, विशालकाय और टेढ़ी सूंड वाले गणपति देव
आप सदा मेरे सब कार्यों में विघ्नों का निवारण करें। त्राटक। बच्चों, एकाग्रता किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने की पहली सीढ़ी होती है। मन को एकाग्र किए बिना ना हम लौकिक जगत में सफल हो सकते हैं और ना ही आध्यात्मिक जगत में। बापूजी बताते हैं, एकाग्रता प्राप्त करनी है तो त्राटक का सहारा लेना ही होगा। गुरु प्रार्थना। गुरु त्रिनेत्र रहित अर्थात दो नेत्र वाले साक्षात शिव हैं, दो हाथ वाले भगवान विष्णु हैं और एक मुख वाले ब्रह्मा जी हैं। ऐसे परम पिता परमेश्वर गुरुदेव के चरणों में हम नमस्कार करते हुए प्रार्थना करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे
सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। टंक विद्या। बच्चों, ये छोटा सा प्रयोग आपको सद्बुद्धि प्राप्त कराने में गजब का फायदा करेगा। दोनों नथुनों से श्वास लो, दोनों से लो 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 खूब लो, एक बार हुआ ऐसे दो बार करना है बस, फिर से लो। ऐसा दो बार करने से तुम्हारा मन में जरा जरा बात में जो दुखी होता है, जरा बात में सुखी, जरा जरा बात में अभिमानी, जरा जरा बात में चिंतित, जरा जरा बात में भयभीत, ये सारे मन की कमजोरी मिट जाएगी। सुविचार। आज का सुविचार है, जिन विद्यार्थियों का मनोबल ऊंचा होता है, बाधाएं विपदाएं उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आओ सुने कहानी। अब समय आता है कहानी का। बच्चों, गुड़ी पड़वा चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा या गुड़ी पड़वा वर्ष का आरंभ दिवस माना जाता है। कई प्रकार से यह महत्वपूर्ण है। एक तो प्राकृतिक ढंग से कि यह वसंत ऋतु है। गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान ने इस ऋतु की महिमा बताते हुए कहा है, ऋतु नाम कुसुमा का रह, ऋतुओं में वसंत मैं हूं। दूसरा ऐतिहासिक ढंग से कि भगवान राम ने इस दिन बाली का वध किया था, गुड़ी पड़वा पर्व के दिन विजय पताका फहराई, शालिवाहन ने शत्रुओं पर विजय पाई, जिससे इस दिन से शालिवाहन शक प्रारंभ हुआ। इसी दिन राजा विक्रमादित्य ने शकों पर विजय पाई और विक्रम संवत्सर प्रारंभ हुआ। चैत्री नवरात्र भी इसी दिन से शुरू होता है। आध्यात्मिक ढंग से देखें तो यह सतयुग का प्रारंभिक दिवस है। वर्ष के 3.5 शुभ मुहूर्तों में से एक है गुड़ी पड़वा का दिन। यह बिना मुहूर्त के मुहूर्त है, अर्थात इस पूरे दिन शुभ मुहूर्त रहता है। पंचांग में शुभ मुहूर्त नहीं देखना पड़ता। इस दिन जितना भी भजन, ध्यान, जप, मौन, सेवा की जाए, उसका अनेक गुना फल मिलता है। अंतर्मुख होना हो तो इसके लिए यह बड़ा हितकारी दिवस है। कैसे हुआ गुड़ी पड़वा का प्रारंभ? इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने बाली के अत्याचार से लोगों को मुक्त किया था। उसकी खुशी में लोगों ने घर घर गुड़ी अर्थात ध्वजा खड़ी कर उत्सव मनाया। इसीलिए यह दिन गुड़ी पड़वा के नाम से प्रचलित हुआ। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का आरंभ किया, उस समय इस तिथि को प्रवरा अर्थात सर्वोत्तम तिथि सूचित किया था। इसमें व्यावहारिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि अधिक महत्व के अनेक कार्य आरंभ किए जाते हैं। नए नए साल के प्रथम दिन से ही चैत्री नवरात्र का उपवास चालू हो जाता है। 9 दिन का उपवास करके माँ शक्ति की उपासना की जाती है, जिससे आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ मानसिक प्रसन्नता व शारीरिक स्वास्थ्य लाभ भी सहज में ही मिल जाता है। हमारे नूतन वर्ष का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अर्थात चैत्री नवरात्रि की प्रतिपदा से होता है। वर्ष का पहला दिन होने से इसका विशेष महत्व है। वर्षारंभ की यह मंगलदायिनी तिथि समूचे वर्ष के सुख दुख का प्रतीक मानी जाती है। इस कहानी से संबंधित प्रश्न हम बस थोड़ी ही देर में आपसे पूछेंगे। समय है उन्नति की उड़ान का।
बच्चों, समस्त साधनों की सिद्धि में श्रद्धा ही मूल कारण है। आत्मोन्नति के लिए संसार में श्रद्धा से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। श्रद्धा से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। श्रद्धा से मनुष्य में धीरता, वीरता, गंभीरता, निर्भयता, शूरता आदि अनेक गुण प्रत्यक्ष आ जाते हैं। उत्तम लक्ष्य की सिद्धि में श्रद्धा और विश्वास की अत्यंत आवश्यकता है। अपनी जो मान्यता, सिद्धांत और समझ है, उन सब को भगवान, भगवत प्राप्त महापुरुष व सत्शास्त्रों की बात पर बलिदान कर देना, यह श्रद्धालु का लक्षण है। श्रद्धालु का दृढ़ निश्चय उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। साखी संग्रह। चलो बच्चों, अब कुछ साखियां याद करते हैं। प्रातः काल की वायु को सेवन करत सुजान, ताते मुख छवि बढ़त है बुद्धि होत बलवान। रात गवाई सोए कर दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। भजन। चेटी चंद महोत्सव हो और भजन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए, हो जाइए तैयार भजन में झूमने के लिए। जोगी रे, चेटी चंद स्पेशल। दर ते जे को इंदो दुखड़ा हो पहंजा कटींदो, खालियूं झोल भरींदो जोगी। हिम्मत तुम मेरी ताकत, मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत, तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत, बिगड़ी तू सब श्रद्धालु भक्तों के आगे टिके न कोई समस्या। वीडियो सत्संग। अब है समय पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सत्संग श्रवण करने का, जिसमें गुरुदेव चेटी चंड व चैत्री नूतन वर्ष निमित्त दिव्य संदेश हमें दे रहे हैं। सत्संग से संबंधित प्रश्न आपसे बस कुछ ही देर में पूछे जाएंगे। दिल रुबा दिल की सुनाऊं, सुनने वाला कौन है? जा मैं झूले लाल के भर भर पिलाऊं, पीने वाला कौन है? बोलो ने, हम है। जिसके जीवन में भगवान के कर्म और जन्म की दिव्यता का ज्ञान नहीं है, उसको बड़ा घाटा पड़ता है।
मनोरंजन कार्यक्रम तो सब लोग करते हैं देश भर में, लेकिन झूलेलाल अवतरण दिवस केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, व्यक्तित्व के श्रृंगार के लिए नहीं है, अपितु अहम का विसर्जन करके आत्मिक श्रृंगार और परमात्मा मुलाकात का अवसर का दिवस ये चेटीचंड का दिवस। अगर सत्संग निकाल दो तो फिर हैशो हैशो में थके थकाए जैसे बराती जाते हैं ना, खाते हैं माल तो प्लेट तो उसकी 300-400 की हो, लेकिन खाने वाले के पेट का सत्यानाश दो दिन तक हो जाता है। वैरायटी वैरायटी वैरायटी, किसी से दुश्मनी हो तो उसको शादी में ले जाओ, खूब खिलाओ खूब खिलाओ, जल्दी बूढ़ा होगा, जल्दी मरेगा और दवाइयों का शिकार बनेगा। तो भोजन की वैरायटियां दे देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। शादी विवाह में पैसे का पानी करके दिखावा करना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे पर्व में समाज को भगवान के कर्म जन्म की दिव्यता का पता चलेगा तो हम अपने कर्म और जन्म की दिव्यता का फायदा उठाएंगे। भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च मैं दिव्यम, यो वेति माम तत्वतः, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। ऐसा जो समझदारी से समझ लेता है उसे अपने जन्म और कर्म को दिव्य बनाकर मुझसे मिलने का अवसर मिलता है। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इब्राहिम लिंकन मरने के बाद प्रेत हो गया। इटाली का राजा मुसोलिनी मरने के बाद प्रेत होकर झील के किनारे भटक रहा है। तो कोई मरने के बाद बैल हो जाता है। मनुष्य जीवन में तुम कितनी बड़ी अटालिका में जीते हो या कितना बढ़िया मकान और कितने ज़्यादा पैसे हैं उसका महत्व नहीं है। कम पैसे और कम मकान में रहते हो इसका महत्व नहीं। मरने के बाद आपके कर्म दिव्य हैं तो आप अपनी दिव्यता को पाएंगे। अगर आपके कर्म साधारण हुए, उद्देश्य साधारण हुआ, तो साधारण जीव की योनि में जाओगे। तो मैं इसलिए 10 बार धन्यवाद देता हूँ कि केवल सिंधी समाज नहीं सभी समाजों के कर्म और जन्म दिव्य हो जाए ताकि अपनी दिव्यता को पालें। दिव्य किसे कहते हैं? जो चमचम चमके वो तो लाइटिंग होता है, दिव्य किसे बोलते हैं? जो लौकिक तराजू में न तुले और ब्रह्म ज्ञान की पराकाष्ठा पे न हो, उन दोनों से विलक्षण समझ में न आए लेकिन सारी समझों के सार की समझ आ जाए उसको बोलते हैं दिव्य। आजकल दिव्य शब्द तो कोई भी लिख देता है, लेकिन दिव्य वो जो लौकिक माप तोल में ना आए और निराकार ब्रह्म की स्थिति में नहीं, उससे विलक्षण लक्षण जिसमें प्रकट हो जाए उसको बोलते दिव्य। तो भगवान बोलते जन्म कर्म च मे दिव्य। साधारण आदमी कर्म बंधन से जैसे धरती पे आता है, ऐसे में कर्म बंधन से नहीं आता हूँ पर हित के लिए आ जाता हूँ। साधारण आदमी जैसा जन्म लेता है ऐसा मैं जन्म नहीं लेता हूँ, मैं दिव्यता से जन्म लेता हूँ। तो जन्म मेरा दिव्य और मेरे कर्म दिव्य ऐसा जानेगा तो उसको पता चलेगा कि मैं भी जन्म कर्म दिव्य की संतान हूँ। आप जिसकी संतान हो उसकी स्मृति आ जाए तो जैसा बाप ऐसा बेटा, जैसा बड़ ऐसा टेटा। तो ये आत्मा वास्तविक में तुम्हारा आत्मा, उसके कर्म और जन्म दिव्य है, लेकिन गलती से तुम अपने को शरीर मानते हो। शरीर बीमार हुआ तो निगुरा बोलता है मैं बीमार हो गया, मन में दुख आया तो निगुरा बोलता है मैं दुखी हूँ। लेकिन सत्संग के द्वारा अपनी दिव्यता का पता चलेगा तो शरीर की बीमारी दूर तो करेगा लेकिन मैं बीमार नहीं, मेरा गोड्डे में दर्द है, मुझ में दर्द नहीं है, मेरे पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, शरीर में बीमारी है, मुझ में नहीं है। तो आप दिव्यता का प्रकाश पाओगे, इससे आपकी बीमारी आपको दबोचेगी नहीं। मन में दुख आया निगुरा मनोरंजन वाला बोलेगा यार मैं बड़ा दुखी हूँ, आई हैव वेरी टेंशन। अरे मूर्ख, टेंशन तुझे हो ही नहीं सकता। टेंशन है तनाव है तो मन में है, और मन में तनाव क्यों है? कि जगत को सच्चा मानता है और अपनी दिव्यता के ऊपर अज्ञान का पर्दा लगाए। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। शरीर की बीमारी को, तंदुरुस्ती को, बचपन को अपना बचपन न मानो, अपने शरीर की जवानी को मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बच्चा हूँ नहीं, मैं इन सब को देखने वाला हूँ, ये बदलने वाला है, मैं अबदल हूँ, ये माया का खिलवाड़ है जिसमें परमात्मा सत्ता है, लेकिन मेरे अंतरात्मा में परमात्मा सत्ता ज्यों के त्यों चमकती है, वो सत रूप है, चेतन रूप है, ज्ञान रूप है। उस सत्ता को जागृत करने के लिए मृख बादशाह का जुल्म हुआ और सिंधु नदी के किनारे जो साधक बैठे और उन्होंने उसी सत्ता को साकार किया और प्रकाश पुंज बालक रूप में, युवक रूप में, मत्स्य के ऊपर सवार, वृद्ध रूप में, तीन तीन रूप दिखाए, फिर सांत्वना देकर मृख बादशाह को चैलेंज करके अंतर्धान हो गए, फिर प्रकटे। उस निमित्त ये चेटीचंद महोत्सव कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम बताता है कि मनुष्य न दैन्यम न पलायनम, तुम्हारे जीवन में दीनता नहीं आनी चाहिए। एक तरफ तो शासक क्रूर है, आहवा वजीर और मृख बादशाह की क्रूरता पराकाष्ठा पर है, और दूसरे तरफ भक्तों का, सिंधी भाइयों का उद्यम साहसम, तुम बोलो सब उद्यम, शाबाश है, साहसम, धैर्यम, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, षडेते यत्र वर्तन्ते, षडेते यत्र तत्र देव सहायकृत। जहाँ उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम है, वहाँ परमात्मा देव सहायता करता है। पहेली, बच्चों क्यों ना आपकी बुद्धि का थोड़ा परीक्षण कर लिया जाए। हम आपसे एक प्रश्न पूछने वाले हैं जिसका उत्तर आपको बड़ी सूझबूझ के साथ देना होगा। उत्तर देने के लिए आपके पास समय है सिर्फ 15 सेकंड। प्रश्न है, अगर चार व्यक्ति 4 घंटे में 4 साइकिल बना सकते हैं तो 8 व्यक्ति 8 घंटे में कितनी साइकिल बना देंगे। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। इस प्रश्न का उत्तर हम आपको सत्र के अंत में बताएंगे। आओ करें स्वास्थ्य की सुरक्षा। बच्चों, नीम का पेड़ चैत्र मास में नई कोमल पत्तियों से लदा रहता है। चेटी चंड के दिन 15-20 नीम की कोमल पत्तियों को 2-3 काली मिर्च के साथ अच्छी तरह से चबाकर खाएं। ये प्रयोग त्वचा की बीमारियों से, खून की गड़बड़ी से और आम बुखार से पूरे साल सुरक्षा करता है। गृह कार्य, अब आपको अपना होमवर्क बताते हैं। बच्चों, भारतीय संस्कृति के त्योहार हमें क्या सीख देते हैं, वे 6-7 पंक्तियों में अपनी नोटबुक पे लिख कर लाएं। अब समय है प्रश्नोत्तरी का। प्रश्नोत्तरी, कहानी से। भगवान ने ऋतु की महिमा बताते हुए क्या कहा? गुड़ी पड़वा का नाम कैसे पड़ा? गुड़ी पड़वे के दिन क्या करने से अनेक गुना फल मिलता है? प्रश्नोत्तरी सत्संग से। चेटीचंद उत्सव का हमारे जीवन में क्या महत्व है? दिव्य शब्द का क्या अर्थ है? भगवान की सर्वोपरि भक्ति क्या है? परमात्म देव कब सहायता करते हैं? सभी बच्चे अपना गृह कार्य व प्रश्नों के उत्तर पूरा कर अपने बाल संस्कार केंद्र के शिक्षक को भेजेंगे। आओ अब हम सब मिलकर आरती करेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतुमे पापम संध्या दीपो नमोस्तुते।
ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूं मैं किसकी, स्वामी शरण गहूं मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा आस करूं मैं जिसकी। तुम पूरण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगो चर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दया मैं, किस विध मिलो दया मैं दो मुझको सुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ, दया में शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
स्वामी मोहि ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाहीं। दीन दयाल को बेनती सुना हो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं तो है पिता तेरे लाज। हरि हरि ओ ओ, साधक मांगे मांगना प्रभु दे जो मोह दूर, बापू हमारे स्वस्थ रहें आयु लंबी हो, दर्शन जल्दी हो। हरि हरि ओ ओ, ओम तं नमामि हरिं परम, ओम तं नमामि हरिं परम, ओम तं नमामि हरिं परम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रार्थना। बच्चों, हमारे दादा गुरु साईं लीला शाह जी महाराज अक्सर यह प्रार्थना करवाया करते थे, आज हम भी इसे याद करेंगे। हे भगवान, सबको सद्बुद्धि दो, शक्ति दो, आरोग्यता दो, हम अपने अपने कर्तव्य का पालन करें और सुखी रहें। अब हम मनोकामना पूरी करने वाले श्री आशा रामायण पाठ की इन पंक्तियों का पठन करेंगे। ओम हरि 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 ओम। रामी सिद्धि प्राप्त कर कार्य रहे नशे, मोहक भी ना ठग सके इच्छा नहीं लगले। पूर्ण गुरु कृपा मिली पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसू मल से हो गए साई आशा राम। जागृत मन विचार मिलाए तू
अगले सप्ताह की झलकियाँ। अगले सत्र में हम जानेंगे भगवान राम जी के विषय में। पहेली का सही जवाब 16 साइकिल, क्योंकि प्रश्न के अनुसार चार व्यक्ति चार घंटे में चार साइकिल बना सकते हैं, तो आठ व्यक्ति चार घंटे में आठ साइकिल बना देंगे और आठ घंटे में उसका दुगना मतलब 16 साइकिल बना देंगे।